ओलिवर पोर्की विकर, ये जो इंसान थे ये अप्रैल फूल्स के लिए फेमस थे, 1 अप्रैल को सबको उल्लू बनाने में। और इन्होंने एक बहुत ही गजब सा काम किया, ये अपने काम में बहुत डेडिकेटेड रहते थे। क्या है कि इनके गांव के सामने एक बहुत ही डोरमेंट ज्वालामुखी था, मतलब एक्टिव नहीं था, नॉर्मल ज्वालामुखी था, माउंट एडगकंबे में, अलास्का में। तो इन्होंने क्या किया कि ये तो महारत हासिल किए थे अप्रैल फूल बनाने में, तो इन्होंने उस वोल्केनो के पास जाकर बहुत सारे टायर्स को फेंक दिया अंदर, 100-200 हजार टायर्स को उसके अंदर फेंक दिया। तो उससे हुआ ये कि वो टायर्स गलने लगे और ऐसा कुछ नजारा दिखने लगा गांव वालों को। और गांव वालों को जो सालों से डर था कि वो वोल्केनो जो डोरमेंट था वो एक्टिव ना हो जाए, ये डर उस दिन कपने लगे सब, उनका डर सच्चाई बन गया था। फिर बाद में ये पता चला और उनको राहत भी मिली कि ये एक अप्रैल फूल था, मतलब ओलिवर पोर्की विकर एक बहुत ही अजीब इंसान थे, कुछ भी कर दो, किसी को भी कुछ भी कर दो और लास्ट में बोल दो इट वॉज अ प्रैंक, कैमरा में हाथ हिलाओ। वो देखिए वहाँ कैमरा हाथ हिला, इट वॉज अ प्रैंक मैन, कैमरा में देखे हाथ हिला दी। ब्लैक मांबा स्नेक जो होता है ना वो एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक है। 95% लोग जिसको ब्लैक मांबा काटता है वो बच नहीं पाते हैं। अब अगर आप इसको डीपली देखो तो ये बहुत ज्यादा है कि सांप काटने पे 95% लोग कैसे मर सकते हैं। उसका एंटी वेनम तो मौजूद है और हॉस्पिटल्स में होता है, बट मेन बात ये है कि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, जैसे बॉडी में जाता है पूरे नर्वस सिस्टम को शेक कर देता है। और दूसरी बात, ये सब जंगलों के एरिया में पाया जाता है जहां से हॉस्पिटल बहुत दूर होता है और टाइम उतना मिल नहीं पाता है उन लोगों को। शहर में किसी को काटे तो वो बच भी सकता है, पर पूरे एस्टिमेट के हिसाब से 95% लोग जिसको ब्लैक मांबा काटता है वो मर जाता है। फैक्ट नंबर 18, MRI स्कैन जो होता है उसमें हम लोग बहुत अमेजिंग चीजों को देख सकते हैं। आप इस इमेज को देखो, एक मोटे इंसान और एक पतले इंसान का MRI स्कैन, इसमें आप डिफरेंस को देख सकते हो। इसमें पूरा ब्लड का प्रीव्यू भी दिख रहा है कि रेडिश ब्लड। जिस तरह आसमान में लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कता है, वैसे जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है ना तब भी जो वोल्केनो का एशेस निकलता है और अलग अलग पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो क्रैश होते हैं ना, तब कुछ ऐसा होता है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसको कहते हैं वोल्केनिक लाइटनिंग। और जब भी कोई वोल्केनो फटता है तब धरती